एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। आज मैं अपना आईब्रो बनाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी बनती है। तो चलिए आईब्रो बनाती हूँ और वीडियो बताती हूँ कैसे कैसे आप खुद से अपना घर पे आईब्रो बना सकते हो। सबसे पहले आपको जितना भी आईब्रो का एक्स्ट्रा हेयर है उसको कट कर देना है, ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पर, बिल्कुल बराबर में। इस साइड तो है नहीं ज़्यादा, जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया एक्स्ट्रा हेयर। अब आपको थोड़ा थोड़ा सा पाउडर लगा लेना है, इससे क्या होता है कि बाल जो है वो इजीली निकल पाएंगे और आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, इस तरीके से हमने पाउडर लगाने से ऐसा नहीं होता है कि पेन नहीं होगा या फिर आपको बहुत ईजी होगा आईब्रो बनाने में। पाउडर सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि जो हमारे हेयर होते हैं वो चिपके होते हैं, तो पाउडर लगाने के बाद से वो हेयर एक दूसरे से मतलब अलग हो जाते हैं एंड ईजिली रिमूव होते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको खुद से आईब्रो बनाने के लिए अपने धागे को इस तरीके से फोरहेड पे लगाना है। ओके, मैंने ये वाला धागा लिया हुआ है, इस तरीके से लगाना है और जहाँ जितना भी फोरहेड पे आ रहा है वहाँ से पकड़ लेना है और यहाँ से धागे को तोड़ देना है। उसके बाद इसमें गांठ लगा लेनी है। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ शेयर की हैं खुद से सेल्फ आईब्रो की, तो आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा जाके। अब इसको इस तरीके से पांच बार घुमाना है एंड दोनों हाथों को नीचे की तरफ करके इस तरीके से चलाने का प्रैक्टिस करना है आईब्रो धागे को। धागा जब तक चलाने नहीं आएगा तब तक आप अपना आईब्रो खुद से नहीं बना सकते। ओके, तो आपको धागा चलाना आना चाहिए। तो इस तरीके से धागा बहुत ईजिली चलने लग जाए। उसके बाद आपको इस तरीके से धागे को रखना है, देखिए मैं कैसे रख रही हूँ वैसे ही रखना है और आराम आराम से सारे हेयर को रिमूव करना है। तो इस तरीके से आप खुद से घर पे आईब्रो बना सकते हो। पार्लर में जाओ तो टाइम नहीं होता है, कई बार बहुत भीड़ होती है पार्लर में, तो हम लोग का टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है और आजकल टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। टाइम नहीं है, टाइम के जैसे हमारा एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है। जैसे कि मैंने ही अभी काम ये स्टार्ट किया है तो मैं एक मिनट के लिए कहीं कॉल भी नहीं लगाती हूँ, तो एक मिनट बात करूँगी इससे उसमें एक पीस मेरा निकल जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइम सेव करना। तो आप पार्लर में बनवा लो तो बहुत अच्छा है, बट अगर आपको टाइम नहीं मिला या फिर कभी बहुत जल्दी है आप नहीं जा सकते हो पार्लर, तो आप इस तरीके से घर पे भी खुद का आईब्रो खुद से बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल आराम आराम से, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो खुद का आईब्रो बनाते टाइम हो सकता है कि इधर उधर से हेयर निकल जाए और आपका जो शेप है वो बिगड़ जाए। तो इसलिए आपको ये पहले जो बड़ा वाला धागा है इसको स्किन पर ऐसे रखना है और इस छोटे वाले धागे को धीरे धीरे इस तरीके से फैलाना है और हेयर को रिमूव करना है। ओके, बिल्कुल एक प्रॉपर शेप देनी है ऊपर से, जैसे हम कस्टमर का देते हैं। तो इस तरीके से आपको हेयर को धीरे धीरे करके एक एक हेयर निकालना है और साइड में इस तरीके से। जब हमको ऊपर का प्रॉपर शेप मिल जाए उसके बाद ही हमको नीचे से हेयर को रिमूव करना है। आईब्रो ना बनाओ तो लुक पूरा का पूरा चेंज दिखता है और काफ़ी अजीब लगता है। हम लोग एक बार जिसने बनवा ली उसको तो आईब्रो बनवानी ही पड़ती है। मैंने काफ़ी टाइम से नहीं बनवाया है तो अभी मैंने सोचा आईब्रो भी बना लूँ और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर दूँ। इसी तरीके की बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोज़ मेरे चैनल पर अपलोड हैं आप लोगों के लिए, तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो जाके। यहाँ मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा था हेयर, तो इसको भी हम लोग रिमूव कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, तो ऊपर का जो शेप मिलना चाहिए वो हो चुका है। अब हम लोग नीचे का आईब्रो बनाएंगे, तो नीचे का बनाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है वो ध्यान से सुन लीजिए। जब आप नीचे के आईब्रो को सेव करते हो सबसे पहली बात आपको आईज को इस तरीके से टाइट रखना है, नहीं तो आपकी स्किन खिंच जाएगी, क्योंकि नीचे की स्किन जो होती है हमारी बहुत पतली होती है और धागे में बहुत जल्दी आ जाती है। तो आप इस तरीके से टाइट रखोगे एंड बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम आराम से आपको इस तरीके से धागे को रिमूव करना है हेयर को। तो इसी तरीके से बिल्कुल आराम आराम से आपको आईब्रो को बनाना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि प्रीत मैडम ने ऐसे बनाया था और हमारा आईब्रो बिगड़ गया।
बिल्कुल आराम आराम से एक एक बाल को धागे में फंसाना है और रिमूव करना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इसी तरीके से पूरे आईब्रो को एक अच्छी सी शेप देंगे। तो जब तक आपको अच्छे से शेप ना मिल जाए तब तक आप अपना हेयर को रिमूव करोगे, एक्स्ट्रा हेयर जितने भी हैं उनको रिमूव कर लेंगे। तो मेरा तो अच्छे से यहाँ से रिमूव हो चुका है हेयर। ऐसे आईब्रो को ऐसे आँखों को ऐसे खींच के रखना है, नहीं तो हो सकता है कि आपकी स्किन आ जाए धागे में और आपको कट लग जाए। तो ऐसे टाइट रखिएगा खुद से बनाते टाइम, क्योंकि हम पकड़ तो सकते नहीं है, दोनों हाथ तो हमारे काम कर रहे हैं अभी, तो हम लोग अपने हाथों से अपने आईज को पकड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे टाइट रखना है और धीरे धीरे हेयर को रिमूव करना है। ओके, और अच्छे से रिमूव करना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से हेयर को रिमूव नहीं करोगे तो जो शेप है, क्योंकि बाल हल्के होते हैं कई लोगों के, जैसे कि मेरे भी काफ़ी हल्के हेयर हैं, तो शेप जो है आईब्रो की वो अच्छे से दिखाई नहीं देती है। तो डेली ब्लॉग्स मेरे चैनल पे जा रही हैं, तो आप देखते रहिएगा वीडियो को सुबह से शाम तक, मैं कैसे क्या क्या करती हूँ सारी चीज़ें। तो अभी थोड़ा सा काम जो है अभी कम हो रखा है, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाले है, जन्माष्टमी का सारा चीज़ हमने रेडी कर दिया है। तो जैसे ही काम आएगा वैसे ही हमको दोबारा से काम मिलेगा और हम लोग अपना आप लोग को वीडियो दिखा पाऊँगी। रात को 12-1 बजे तक मैं काम करती हूँ। इस तरीके से अच्छे से फंसाना है धागे में हेयर को और रिमूव कर लेना। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक हेयर है, बट यहाँ पे हेयर नहीं है और धागा खाली जा रहा है। तो इस तरीके से मैंने सारे हेयर को रिमूव कर लिया, जितना भी एक्स्ट्रा हेयर था, और एक शेप मिल गई है हमारे आईब्रो को। ऐसे ही करके आपको भी सारे एक्स्ट्रा हेयर जितने भी हैं उनको रिमूव करना है। तो ये हमने नीचे का प्रॉपर शेप बना लिया है। ऊपर आपको अगर एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप थोड़ा सा और इस पर हेयर को रिमूव कर लोगे और एक शेप बना लोगे अच्छी सी। तो इस तरीके यहाँ पे एक दाना तो हो रखा है, जिसकी वजह से मुझे बार बार लग रहा है कि यहाँ पे हेयर है, बट यहाँ पे हेयर नहीं है और मेरी शेप जो है वो प्रॉपर बन चुकी है जैसी मुझे चाहिए थी। क्योंकि मुझे पतली आईब्रो जितनी पसंद नहीं है, मैं चौड़ी आईब्रो ही रखती हूँ, यहाँ तक कि मुझे टाइम नहीं मिला रक्षाबंधन में भी आईब्रो बनाने का, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा आ रखा था, जिसकी वजह से मैं रक्षाबंधन में बिना आईब्रो के ही गई थी अपनी सिस्टर इन लॉ के घर पे और अपने भाई के घर पे। ओके, तो ये शेप हमारी बन चुकी है। अब दूसरी आईब्रो को भी सेम इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो कोई बात नहीं, रक्षाबंधन में नहीं बनता है तो अभी बना लेती हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है ये आईब्रो का शेप, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। आपने ट्राई ज़रूर कीजिएगा खुद से आईब्रो बनाने का, एक दो बार मुश्किल लगता है, बट आप अगर बार बार करोगे कोशिश, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और सबसे अच्छा बनेगा जैसा आपको शेप चाहिए वैसा। क्योंकि पार्लर में हम लोग को कई बार जो शेप हमको चाहिए होता है वैसा नहीं मिलता है। तो ये वाली आईब्रो जो है प्रॉपर शेप अच्छे से मिल चुकी है। तो दूसरी वाली आईब्रो भी सेम टू सेम इसी तरीके से बनानी है। पूरा वीडियो रिपीट करके देखिएगा अगर नहीं समझ में आए तो। तो चलिए दूसरी साइड का आईब्रो बनाते, पहले हम लोग यहाँ का हेयर रिमूव कर लेंगे ऐसे करके बिल्कुल आराम आराम से। मैं
मैं वीडियो को स्किप भी कर सकती हूँ, बट मैं स्किप नहीं कर रही हूँ क्योंकि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बिल्कुल आराम आराम से बीच के हेयर ज़रूर साफ कीजिएगा, इससे लुक जो होता है वो प्रॉपर नहीं आता जैसा हमको चाहिए होता है। अगर ऐसे लंबे में आपसे नहीं होता तो आप छोटा छोटा अमाउंट भी लेके इस तरीके से बीच के हेयर को रिमूव कर सकते हो। बिल्कुल आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है, एक टेप देना है अच्छे से ऊपर के हेयर को। इसी तरीके से आपको पूरे आईब्रो को एक अच्छी सी शेप देनी है। ओके, अब इस साइड के हेयर को भी इसी तरीके से निकालेंगे। देखिए मेरी इस वाले आईब्रो में तो ग्रोथ अच्छी है बट इसमें नहीं है, तो आपको इस साइड अगर आपका भी ऐसे है तो आपको ध्यान देना है कि थोड़ा ऊपर से ही हेयर को रिमूव कीजिएगा, आईब्रो में टच मत कीजिएगा, लेकिन रिमूव जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना है, करना है ताकि जो नए हेयर निकले वो घने निकले और आईब्रो का जो शेप है वो घना हो पाए, हमारा लाइट ना रहे। लेकिन थोड़ा सा दूर से करना है क्योंकि आप पास से करोगे तो जो आपकी लेंथ है वो कम हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हमने हेयर को रिमूव कर लिया, जितने भी एक्स्ट्रा हेयर है, और एक शेप हमको ऊपर से आईब्रो की मिल गई है। ओके, तो ऊपर का शेप बनाने के बाद से हम लोग नीचे का थ्रेडिंग बनाएंगे, जैसे कि हमने इस साइड बनाई थी। तो ये धागा फिर से खुल गया है, इसको ऐसे करेंगे और इस साइड के हेयर को ऐसे लेके जाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से एक अच्छी सी शेप देते हुए हेयर को रिमूव करेंगे। इस तरीके से ही आपको भी रिमूव करना है जैसे मैं कर रही हूँ। खुद से करने में थोड़ा सा पेन फील होगा बट थोड़ी सी हिम्मत करके करोगे तो हो जाएगा। देखिए मैं बिल्कुल भी लेंथ को टच नहीं कर रही हूँ, बस एक्स्ट्रा हेयर को निकाल दूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। लेंथ को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, काफी टाइम से मैंने आईब्रो नहीं बनाई है तो काफी ग्रोथ भी हो गई है मेरी आईब्रो की। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हेयर है, इसको भी रिमूव कर लिया और इस साइड की जो शेप है वो हमको प्रॉपर मिल चुकी है। आईब्रो को, आँखों को ऐसे इस तरीके से टाइट जरूर रखिएगा जब आईब्रो बना रहे हो। फ्रंट से आपको इस तरीके से एक अच्छी सी शेप दे देनी है आईब्रो की। तो इसी तरीके से आपको हेयर को निकालते जाना है।
और एक प्रॉपर की अच्छी सी शेप देनी है आईब्रो की। इसी तरीके से सारे हेयर को रिमूव करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो इसी तरीके से सारा मेरा जो आईब्रो है बहुत अच्छे से बन चुका है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब मैंने उस साइड आईब्रो बनाई थी तो जिससे मैं खींच रही हूँ वो वाला हाथ का जो धागा था वो बड़ा था, दूसरी साइड लाते हुए दूसरी साइड का धागा बड़ा हो गया है। थोड़ी सी आईब्रो मेरी पतली हो गई और काफ़ी अच्छा शेप लग रहा है, तो मैं इसी तरीके से दूसरी साइड का भी आईब्रो बनाऊंगी। तो बिल्कुल आराम आराम से सारे हेयर को रिमूव करेंगे जितना भी एक्स्ट्रा हेयर उनको दिख रहा है। आपने देखा कितनी आसानी से मैंने अपना आईब्रो खुद से बना लिया है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि किसने किसने ट्राई किया और किससे अच्छे से बना किससे नहीं बना। और जो प्रॉब्लम आया जो दिक्कत आया मुझे बताइएगा, मैं उस पर वीडियो डिटेल वीडियो लेके आऊँगी कि ये दिक्कत आती है तो कैसे करने से आपकी वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी और आप खुद से अपना आईब्रो बना सकते हो। तो कैसी लग रही है इधर की शेप? इधर की थोड़ी चौड़ी लग रही है, तो हम लोग इसको दोनों को सेम करेंगे और फिर मिलते हैं। तो ये दोनों आईब्रो जो है मेरी उसका नीचे का पार्ट तो जो है वो सेम है, बट ऊपर का थोड़ा सा इधर का चौड़ा है, तो इसको धीरे धीरे करके रिमूव कर लेंगे। सॉरी, ऊपर का सही लग रहा है, नीचे का थोड़ा चौड़ा लग रहा है। ये गांठ जो बीच में आ रही है ये नहीं आनी चाहिए, इससे आपकी आईब्रो बिगड़ सकती है, तो इसको साइड में कर लीजिएगा। यहाँ से थोड़ी सी हेयर को रिमूव करनी है। तो दोनों आईब्रो हमारी सेम हो चुकी है। इसको मैं पेंसिल आईब्रो पेंसिल लगा के दिखाती हूँ कि कैसा लुक आया है आईब्रो का। तो ये इस तरीके का लुक आया है मेरे आईब्रो का। फीलिंग कर आईब्रो फील करते थे आपको, ऐसे फीलिंग करनी होती है आईब्रो को। आईब्रो फील करने की डिटेल वीडियो एक अपलोड हो चुकी है चैनल पर, तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। तो अगर आप आईब्रो की शेप बहुत अच्छे से आप बना लोगे तो आईब्रो पेंसिल लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत आराम से आपका आईब्रो का जो शेप है वो बन भी जाता है जैसे मैंने बनाया अभी।
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरीके की वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। और आईब्रो का शेप कैसा लगा आपको, कैसा बना हुआ है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और ये है मेरा आईब्रो का फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।